हेलो गाइस नमस्कार, क्या आप लोग गदर 3 मूवी के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? अगर तैयार हैं तो हम कुछ गुड न्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं गदर 3 से जुड़े हुए कुछ बड़े मुद्दे। इससे पहले बात कर लेते हैं गदर 2 की और गदर 1 की। गदर 1 ने जो कमाई किया था वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए ऑडियंस का दिल तो पूरा जीता, लेकिन वहीं पर अगर गदर 2 की हम बात करते हैं तो गदर 2 ने जो कमाई किया था 525 करोड़ यानी इंडिया नेट कलेक्शन किया था और वहीं 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड से कमाया था गदर 2। लेकिन भाई ये इतना कम क्यों कमाया? देखो हमारे हिसाब से तो कम ही है भाई। देखो कम बजट में हिट तो मूवी हुई थी पूरी तरह से, लेकिन भाई हमारे हिसाब से कम थी क्योंकि ये 1000 करोड़ के क्रॉस जानी चाहिए थी। लेकिन भाई गदर 3 क्या इससे बड़ा धमाल मचाएगी? अगर हम गदर 2 की बात कर रहे हैं तो गदर 2 मूवी 120 करोड़ में बनी हुई थी, लेकिन गदर 3 जो बनेगी इसकी जो अभी थोड़ा रिपोर्ट निकल के सामने आई उसके मुताबिक गदर 3 जो है वो शायद बनेगी 300 करोड़ के आसपास बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें अनिल शर्मा से डायरेक्टर सनी देओल की बातचीत चल रही है गदर 3 मूवी को लेकर के। गदर 3 मूवी को कुछ नेक्स्ट लेवल की बनाने की कोशिश की जाएगी, कुछ आइटम सॉन्ग्स कम रखे जाएंगे क्योंकि गदर 2 का जो हमारे हिसाब से लुक बर्बाद हुआ तो उसके जो सॉन्ग हैं वो कुछ ज़्यादा ही लुक बर्बाद किए हैं। लेकिन बेहतरीन नज़ारा ये है गदर 3 जब ऑडियंस के सामने पेश की जाएगी तो ये कुछ बड़े दावे कर रही है कि गदर 3 अनिल शर्मा के द्वारा डायरेक्ट की जा रही है तो 300 करोड़ के लगभग में बजट में मूवी बनेगी, तो क्या ये धमाल मचाएगी? अगर हम बात कर ही रहे हैं तो गदर 3 आ रही है तो अब ऑडियंस के दिल में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि गदर 3 भाई हमारे सामने अगर आ रही है तो ये कब तक हमें शायद देखने को मिल सकती है। दोस्तों गदर 3 की अभी तक बातचीत ही चल रही है, उसके मुताबले तो अगर हम रिलीजिंग डेट की बात करूं तो ये शायद 2025 तक हमें सिनेमा घरों में दस्तक देते हुए नजर आ जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं सनी देओल का लड़के का किरायेदार जो निभाए थे गदर 2 में वो भी हमें गदर 3 में नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म डेटा अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म डेटा जरूर है कि गदर 3 2025 में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल आप लोग गदर 3 के लिए कितना एक्साइटेड कितना नहीं हमें छोटे से कमेंट में अपनी बड़ी सी राय जरूर लिखिए।